Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10th CBSE NCERT book chapter quadratic equations exercise 4.2 question 3 ko solve karenge. Iska first second hum part already solve kar chuke hain. Aap previous videos mein unhe bhi watch kar sakte hain, theek hai? So question is find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Theek hai? To yahan pe question mein hame दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 27 होना चाहिए और प्रोडक्ट 182 इन्होंने कह दिया है. बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिर्फ एक ही वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं, दो वेरिएबल में आपको नहीं सॉल्व करना है. इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस में बहुत सारे सॉल्व कराए हैं जिन्हें हम दो वेरिएबल यूज करके सॉल्व करते हैं. बट यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज करके वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे रफ में बता देता हूं जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन में करते थे. ठीक है, जैसे कि यहां पे दो नंबर का सम दिया है तो दो नंबर हम x और y लेट कर लेते हैं. x plus y, इसका सम यहां पे कितना गिवन है, 27 गिवन है. ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट नंबर हमारा x है तो सेकंड नंबर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस x को इस साइड पे सेंड कर देंगे तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 27 माइनस एक्स हो जाएगी. राइट, तो हमारा सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा. फर्स्ट नंबर एक्स है, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा. मतलब एक ही वेरिएबल में हमें दोनों ही नंबर मिल जाएंगे. राइट, आपको समझ में आया? तो बस हम इसी मेथड का यहां पे अप्लाई करके सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. ओके, सो लेट कर लेते हैं ना यहां पे, लेट वन नंबर बी x. ठीक है, तो अदर नंबर इज इक्वल्स टू 27 माइनस x हो जाएगा. राइट, आपका जो अदर नंबर है वो 27 माइनस x हो जाएगा. यहां पे आपको दोनों नंबर मिल गए हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे दोनों नंबर्स, ये जो दो नंबर्स हैं आपके, इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि x into 27 minus x equals to कितना गिवन है आपके पास, 182. ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम x को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं. x जब 27 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 27x हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस होता है 20, सॉरी x और x, x स्क्वायर हो जाएगा equals to में 182. बट आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c equals to 0 के फॉर्म में होती है. तो पहले हम इसको इस तरह अरेंज करेंगे, उसके आफ्टर ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां पे देखिए x स्क्वायर कैसे है, नेगेटिव है, इस साइड पे सेंड कर देंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा. यहां पे 27x ये प्लस का है, इस साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा 27x. ठीक है, ऑलरेडी में 182 आपका पॉजिटिव यहां पे चल रहा है कंटिन्यू. अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आ गई है, तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, सबसे पहले हम इसके कोएफिशिएंट्स को फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो x का जो कोएफिशिएंट है यहां पे 1 है एंड b का जो कोएफिशिएंट है आपका यहां पे 27 है एंड c का कोएफिशिएंट आपका 182 है. वेरी सिंपल, मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था, यानी कि हम फर्स्ट, सॉरी यहां पे a आएगा बच्चों, यानी कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a into c करेंगे. a into c, a आपके पास 1 है, c आपके पास 182 है, तो ये 182 ही आएगा. अभी हमें क्या करना है, यहां पे 182 के फैक्टर्स कर लेने हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है जिसे आप ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं कि आपका जो a into c करने पर 182 आना चाहिए. ठीक है, एंड इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने पर आपका आना चाहिए 27. ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. ये 2 से आपका कैंसिल होगा, 2 9 सा 18 एंड 2 1 सा 2. ओके, 2 9 सा 18 एंड 2 1 सा 2. अभी देखिए ये 3 से तो कैंसिल होगा नहीं, 7 से हो जाएगा. 7 on the 7, 7 3 is a 21. 13 आपका सिर्फ और सिर्फ 13 के ही टेबल में आता है, तो 13 on the 13. अभी देखे,
ये आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, पहला 7 to the 14 इंटू 13, ये आपका 182 के इक्वल होता है। अभी हम 14 प्लस 13 करेंगे तो ये 27 होता है, यानी कि 27 के रिप्लेसमेंट पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, 14 प्लस 13 ये हम 27 के रिप्लेसमेंट पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27 के रिप्लेसमेंट में 14 प्लस 13 इंटू में आपका x है प्लस में 182 है इक्वल्स टू 0। अभी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एंड x को इस ब्रैकेट के हम अंदर कर देंगे तो माइनस 14x हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 13 इंटू एक्स 13x हो जाएगा, प्लस में 182 है आपका इक्वल्स टू 0। अभी देखिए इन दोनों जो टर्म्स हैं इनसे क्या आपका कॉमन है, ओनली x कॉमन है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x माइनस 14 आपका रिमेनिंग रहेगा माइनस, यहाँ पर देखिए 13 और ये 182 है दोनों टर्म्स में, और 182 के अभी अभी हमने फैक्टर्स किए हैं 14 इंटू 13 होते हैं। ठीक है, तो 13 इन दोनों के पास में है, 13 को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, माइनस के साथ में कॉमन लिया है तो ये फर्स्ट टर्म जो था माइनस के था, तो अभी क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था माइनस के साथ में कॉमन लिया है तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से 13 तो बाहर आ गया, आपका बचेगा कितना 14 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए x माइनस 14 एंड x माइनस 14 बोथ टर्म्स से हमारा क्या है कॉमन है, x माइनस 14 एंड यहाँ से रिमेनिंग आपका x माइनस 13 आपका बच जाएगा इक्वल्स टू में 0 है। अभी हमें दो नंबर फाइंड करने हैं, तो मतलब इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो व्हेन x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 13, यहाँ से 13 आ जाएगा आपका। ओके, हमें टू नंबर्स फाइंड करने थे। ठीक है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए हमने x लिया था, तो x की वैल्यू आप किसी को भी इसी में इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट नंबर आपने x लिया था तो हम x यानी कि 14 ले लेते हैं, सेकंड नंबर आपका आपका सेकंड नंबर 27 माइनस x था, राइट, तो 27x यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, 27 माइनस एक्स यानी कि 14 दैट इम्प्लाइज 13, ये आपका 13 आ गया। ठीक है, हेंस टू नंबर्स आर 14 एंड 13। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इफ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।